मैं गिरीश भट्ट, अपन कक्षा 9th में आज से हम अपन व्याकरण शुरू कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहला चैप्टर ले रहे हैं वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद में सबसे जरूरी जो चीज़ सीखने की है उसमें है संयुक्त व्यंजन और रकार वाले शब्द। तो इनमें ही सबसे ज़्यादा जो है वो गलतियाँ होती है और उसको पूरा पूरा लिख देते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में हम सबसे पहले क्ष देखते हैं। क्ष जो है वो सबके क श अ, तो क और श के नीचे हलंत है। हलंत यानी कि उसके अंदर स्वर सम्मिलित नहीं है। जिनके भी एक जिस भी वर्ण के नीचे हलंत है इसका मतलब उसमें स्वर सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार से ये मिलकर के क्ष बना क और श से और अ, अ का स्वर है। इसी प्रकार से त्र आप देख रहे हैं, त्र त र प्लस अ तो त्र। देन ज्ञ, ज्ञ में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उसमें आधा घ लगा देते हैं, घ नहीं होता है। ज य, ज य अ तो ज्ञ। इसी प्रकार से श्र में श र अ, रिकार में री और री का अंतर। जैसे कृपण हमने लिखा है कृपण, तो क्री में क्री क धन री धन ण और अ आएगा। इसी प्रकार से अरी में अ धन र धन ई अरी। तो इनमें ये री के अंदर जो मात्रा आती है उसमें ही ध्यान आपको रखना चाहिए। तो ये इसी प्रकार से कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, हम देखें। हम देखें जैसे शिक्षित, तो हम इसमें इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम श धन ई धन, अब क्ष है तो क्ष को पूरा हमको तोड़ के लिखना है। ऐसा कि ऐसा नहीं कि हम क्ष लिख देंगे, तो ये हुआ शिक्षित, शिक्षित का वर्ण विच्छेद। तो इस चीज के ऊपर अपने को ध्यान रखना है, ये इस चीज को आप ध्यान रखेंगे संयुक्त व्यंजन के लिए। इस प्रकार से क्ष, क्ष को हमने किस प्रकार से बीच में रखा है आप वो देख रहे हैं। इसी प्रकार से हम लिखते हैं विज्ञापित, अब घी आया है ना, तो लिखें तो ये हुआ विज्ञापित। अब इसके अंदर ये जो वर्ण है ये है ज्ञ। इस प्रकार से इसको देखना है और इस प्रकार से शब्दों को जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है, इस प्रकार के शब्दों की जिसमें संयुक्त व्यंजन हो आपको छाट करके। इसी प्रकार से हम देखते हैं त्र में शस्त्र, तो ये हुआ सॉरी क्या शस्त्र। तो उसमें देखेंगे त्र जो है वो ये है,
इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम देखें अगला, तो वो आश्रम तो हम देख रहे हैं जहाँ पे स्वर आ रहा है उसके नीचे हलंत नहीं होगा, केवल जो व्यंजन है उन्हीं के अंदर हलंत होता है, क्योंकि उसमें से स्वर अलग कर दिया जाना, इसी को वर्ण विच्छेद कहते हैं, स्वर और व्यंजन को अलग करना। तो ये वर्ण विच्छेद है, इस ये वर्ण विच्छेद वाला जो है वो कालम आपने छठी क्लास में संस्कृत में भी पढ़ा था, उस वक्त भी आपने देखा था, लेकिन उस वक्त ये संयुक्त व्यंजन और रकार वाले शब्दों को हमने नहीं जाना होगा। तो यहाँ पर आप देखें रकार में देखें तो दर्शनीय, तो यहाँ पे जो रेफ है इसका ध्यान रखें, द, अब द, द पूरा आया है, द के बाद आया है दर, अर आता है, मतलब र का स्वर आ रहा है पहले, इसलिए हम पहले र लगाते हैं, उसके बाद श आएगा। और फिर ये हुआ दर्शनीय, इस प्रकार से उसको देखना है। ये जो रेफ है ये जो है वो ये रेफ है, रेफ को यहाँ पे बताया है। तो ये जब जिसके ऊपर रेफ लग रहा है उस वर्ण से पहले उसका उच्चारण होगा तो वो ऊपर है, और बाद में होता है मतलब कि नीचे वाला रकार है जो हम अभी देखते हैं, जैसे कि स्त्री। अब स्त्री में हम देखें, जैसे भी शास्त्र में भी हमने देखा था, तो स्त्री में हम देख रहे हैं त के साथ र के साथ पूरा वर्ण ई जुड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे र पूरा है और त आधा है, त्र में त हमेशा आधा रहेगा, त्र में र पूरा है, इसलिए जब भी रकार होंगे जैसे प्रकार है, प्रकार है तो ये प धन र धन अ, ये पर हुआ इस प्रकार से। तो देखा आपने इन शब्दों को, इसमें देखें आप देखते हैं ऊ की मात्रा, रू रू व रू, इनको देखें जैसे गुरु, तो ग धन उ छोटा उ है, इसी प्रकार से र धन छोटा उ, तो ये हुआ गुरु। और बड़ा रु देखना है, इन दोनों के अंदर आप अंतर देखें है ना, ये बड़ा रु है ये छोटा रु है, तो श धन उ धन र धन उ शुरू, तो गुरु और शुरू, इन दोनों रूप के अंदर भी आप डिफरेंस देखें
तो ये सभी चीज़ें आपको ठीक तरीके से देखना है, और जिसमें इन जिनमें भी ये संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं ऐसे शब्दों को छाट करके उनको उनकी आपको प्रैक्टिस करना है। और अन्य जो साधारण शब्द है वो आप जानते हैं, जिस प्रकार से स्वर और व्यंजन को अलग करना है। स्वर व्यंजन के नीचे हलंत नहीं होगा, यदि आपने पूरा लिखा है और आपने हलंत नहीं लगाया तो उसको पूरा गलत माना जाएगा। तो हलंत की आवश्यकता बहुत जरूरी है इसमें, यदि हलंत नहीं होगा तो वो उसको हम गलत मानते हैं। तो इस प्रकार से आप और भी शब्द को चूज करके कम से कम 100 शब्द निकालें। अपन ने जितने भी पाठ पढ़े उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं और उनकी प्रैक्टिस आपको करना है। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर अगला चैप्टर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बाद में।